जांगिड के चैनल को सब्सक्राइब करने के रेड बटन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या आपको यूट्यूब देखते हुए बहुत टाइम हो गया है और आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं? आपके भी मन में है कि यूट्यूब से हम भी पैसा कमाएं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज हम ऐसे चार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा आप आसानी से रुपए कमा सकते हैं और किस तरह बड़े बड़े यूट्यूब रुपए कमा रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। मैं पंकज जांगिड, आप देखें टेक्निकल जांगिड। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब से रुपए कमाने का सबसे पहला तरीका है मोनेटाइजेशन। बात करते हैं मोनेटाइजेशन होता क्या है। मोनेटाइजेशन गाइस, सबसे पहले आपको एक यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना होगा। चैनल बनाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको चैनल बनाने के लिए सिर्फ एक जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो नॉर्मली हर किसी के पास होता है। उसमें कुछ रुपए भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आप नॉर्मल लॉगिन करेंगे तो आपसे क्रिएट अकाउंट मांगेगा, आप चैनल का नाम दीजिए और आपका चैनल बन जाएगा। और उसके बाद मोनेटाइजेशन देखें तो किसी भी वीडियो में जो ऐड आती है वो मोनेटाइजेशन होती है, मोनेटाइजेशन के द्वारा आती है। तो मोनेटाइजेशन कराने के लिए अपना गूगल एडसेंस की जरूरत पड़ती है। पहले जो कोई रूल नहीं था, लेकिन अब रूल हो गया है कि अगर आपको चैनल को मोनेटाइजेशन कराना है तो आपको अपने चैनल पे 10,000 व्यू मिनिमम चाहिए। जब आपके चैनल पे 10,000 व्यू आ जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। और मोनेटाइजेशन होने के बाद आपके वीडियो पे ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी अर्निंग फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका ये अच्छा तरीका है। इस पे आपको पेशेंस रखना होगा, आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गाइस अगर आप YouTube पे ओनली फॉर पैसे कमाने के लिए आए हैं तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आप अपने शौक से YouTube पे आए हैं तो आप बहुत जल्दी रुपए कमा लेंगे। सो इस बारे में अपने बात करेंगे। मोनेटाइजेशन बेस्ट है, सबसे जरूरी है मोनेटाइजेशन। ये YouTube का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। अगर YouTube पे आपको पैसे कमाने हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप है मोनेटाइजेशन। अगर आपका चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपके वीडियो पे ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा और ऐड से आप अच्छे से अच्छी तरह पैसे कमा सकते हैं। और ऐड के पैसे देखें तो अगर आपके वीडियो पे 1,000 व्यू आए हैं तो 1,000 व्यू के $1 के अप्रोक्स हो जाएगा। दोस्तों, अगर अपने सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट है एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केट क्या होता है? हर बड़ी बड़ी कंपनी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाती है। एफिलिएट प्रोग्राम में कोई भी ज्वाइन हो सकता है, इसके अंदर कोई भी शर्त नहीं है। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भी आप एफिलिएट मार्केट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केट के लिए आपको किसी भी वेबसाइट जैसे अमेज़न देख लेते हैं, अमेज़न के अपने गूगल में आपको सर्च करना होगा अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, तो इसके अंदर आपको एक अलग सी वेबसाइट मिलेगी, उसको आपको लॉगिन करना और साइन अप करना। अगर आप किसी मोबाइल को सेल करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए और वीडियो के अंदर आप बताइए कि अगर आप ये मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से खरीदिए। अगर उस लिंक से कोई वो मोबाइल खरीदता है तो उस मोबाइल का कुछ परसेंटेज होता कमीशन वो आपको मिलेगा। ये नॉर्मल वही है, अगर आप किसी को अपने द्वारा कहीं शॉपिंग के लिए भेजते हैं, किसी भी शोरूम में भेजते हैं और कहते हैं कि ये मेरा नाम लीजिएगा कि मैंने भेजा है, तो आपका जो कमीशन है वो शोरूम वाला रख लेता है। वही चीज़ें ऑनलाइन मार्केटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट ये करती है। तो इस तरह भी आप अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर अलग सिस्टम होता है, किसी में 10% है, किसी में 5% है, किसी में 10 है 15 है 20 है, तो इस अलग अलग द्वारा परसेंटेज से आप रुपये कमा सकते हैं। नॉर्मली क्लॉथ्स वगैरह पे ज़्यादा होता है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। नंबर दो, तो अब बात करते हैं नंबर तीन के बारे में। नंबर तीन होता है स्पॉन्सरशिप। अगर आपका YouTube चैनल थोड़ा ग्रोथ कर गया है, अच्छी तरह ग्रोथ कर गया है, मान लीजिए आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं 50,000 अप्रोक्स 10,000 अबव, तो आपको एक स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। यानी कुछ कंपनियां या कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको बोलेगी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमें सेल करना है, तो आपने इसके ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के आपको पैसे देगी। आप उस प्रोडक्ट की ऐड कीजिए, उस ऐड के आपको पैसे मिलेगी, ये स्पॉन्सरशिप होती है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप आप खुद को आपको नहीं मिल रही है, पहली बात अगर आपका चैनल ग्रो कर जाएगा तो अपने आप आपको स्पॉन्सरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो आप किसी बड़ी कंपनी में जाके बोल सकते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट की ऐड कर देंगे, हमारे चैनल में इतने सब्सक्राइबर है, इतने व्यू है, तो वो आपको कंपनी अपने प्रोडक्ट देगी और बोलेगी इसको रिव्यू करें या जो भी करें, इसको इसकी प्रोडक्ट की ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद वो ऐड के आपको पैसे देगी, वही स्पॉन्सरशिप होगी। आप अब बात करते हैं नंबर चार के। नंबर चार आप तब फॉलो कर सकते हैं जब आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, यानी आपके बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाए, अच्छे खासे व्यू हो जाए। उसके बाद आप अपना खुद का एक सेल्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।
सेल प्रोडक्ट में क्या होगा, आप अपना खुद का एक लोगो, जो आपके चैनल का लोगो है, उस लोगो से आप एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। यानी इसमें आप कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं, टी शर्ट है, कैप है, या मग जो कप होते हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करके आप अच्छे से अच्छी तरह पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर आपने देखा हो कॉमेडी नाइट कपिल में एक चला था बाबा ये ठुल्लू, तो उसके नाम से बहुत सी टी शर्टें सेल होनी स्टार्ट हुई थी, वो अच्छे से अच्छे इसकी रिक्वायरमेंट हुई। तो उसी तरह आप कहीं नंबर फोर है ये आपको तब फॉलो कर पाएंगे जब आपका ब्रांड जो चैनल है बहुत अच्छा ब्रांड बन जाएगा, लोगों के जबान पे आपका चैनल का नाम हो जाएगा, तो उसके बाद आपका आराम से सेल प्रोडक्ट आपका सेल होगा और आपके प्रोडक्ट की अच्छे से अच्छे वैल्यू मिलेगी। तो ये नंबर चार है वो आपको लास्ट में फॉलो करना होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए आ गए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।